शास्त्रीय रागों पर आधारित जानकारी और उस राग से जुड़े हुए गीतों के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी को संज्ञा का नमस्कार। आज जिस राग के गीतों को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, इसका नाम है राग कलावती। राग कलावती श्रोताओं, हरियाणा में एक जाना पहचाना जिला है जिसका नाम है जींद, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि जींद का शास्त्रीय संगीत से एकदम अनोखा नाता है। जिले के एक दर्जन से ज्यादा गांवों के नाम राग, ताल, लय और वाद्य यंत्रों पर आधारित हैं। इसमें भी भूगोल और सांझ सवेरे का ध्यान रखा गया है। जिले की पूर्व दिशा में पड़ने वाला गांव मलार सुबह गाए जाने वाले राग मल्हार पर आधारित है, और इसी तरह राग कलावती पर गांव कलावती का नाम है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करारता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। पत्थर नहीं इंसान हूँ मैं, कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सावर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करारता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। फिल्म दिल दिया दर्द लिया के इस गीत में राग कलावती के साथ राग जन सम्मोहनी की छाया भी उपस्थित है। और आज के राग कलावती पर आधारित कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, ये है फिल्म सुर संगम से। पंजाबी ठेके पर आधारित ये रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध की थी।
राग कलावती थाट खमाज से उपजा राग है जो देर रात को गाया जाता है। इसकी जाति ऑडव ऑडव है। इस राग का वादी स्वर पा और संवादी स्वर सा माना गया है। कर्नाटक संगीत में राग कलावती जैसे गुणों वाला राग वाल्ची या वाल्जी होता है। राग कलावती को आधार बनाकर फिल्मों में कुछ कव्वालियां रची गई हैं और तकरीबन ये सभी कव्वालियां बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। आइए सुनते हैं इन कव्वालियों की झलक बारी बारी से। इनमें से एक कव्वाली 1960 की फिल्म बरसात की रात से है जिसे संगीतकार रोशन ने तैयार किया था और ताल कहरवा का प्रयोग किया था। बरसात की रात की इस कव्वाली के केवल आरंभिक हिस्से में ही कलावती स्पष्ट और मोहक है। आगे चलकर इस गीत में अन्य कई रागों के स्वर मौजूद हैं। मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले, बातिश, सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये थी वो प्रसिद्ध कव्वाली। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है, अब न हम सफर है, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। राग कलावती और ताल कहरवा को आधार बनाकर राहुल देव बर्मन ने 1977 में भी एक कव्वाली का निर्माण किया था, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों का साथ लेकर। इस कव्वाली में राग कलावती से इतर स्वरों का प्रयोग तो है किंतु राग कलावती का आभास बराबर होता रहता है। और ये कव्वाली भी कम प्रसिद्ध नहीं हुई थी। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं गम नहीं। है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए कम नहीं कम नहीं। है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं कम नहीं। है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन। 1970 में एक फिल्म आई थी खिलौना। इस फिल्म में भी राग कलावती को आधार बनाकर एक कव्वाली रची थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, अगर दिल बरती उस भाई हमें
अगर हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय युगल गीतों की बात करें तो उनमें 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा के एक गीत का जिक्र होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राग कलावती पर आधारित गीत है ये, जो कि मध्य रात्रि के पूर्व गाया जाने वाला राग है। आयशा भोसले और उषा मंगेशकर का गाया हुआ ये युगल गीत रोशन साहब ने तैयार किया था। चित्रलेखा फिल्म के इस गीत में राग कलावती से इतर स्वरों के सीमित प्रयोग के बावजूद कलावती का स्वरूप बना रहता है और गीत की खासियत ये थी कि वो अपनी धुनों में लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करता था कि हृदय उसकी जादूगरी पर वाह वाह कर उठे। जन में जाके में सन 2004 की एक फिल्म स्वदेश का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राग कहरवा को आधार बनाकर इस गीत को संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान ने। तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग सारे हर तारा है शरारा। और बस आज के लिए राग कलावती पर आधारित गीतों का सिलसिला करते हैं हम खत्म। अगले हफ्ते किसी और राग के साथ उससे जुड़े गीतों और जानकारियों के साथ हम फिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।